अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज लाइव आने का एक और मकसद है, क्या है? किसी लड़ाई को लड़ो तो एंड तक लड़ो, वरना मत लड़ो। किसी का साथ दो तो एंड तक दो, वरना मत दो, है ना? आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे फैसले आपने लिए होंगे जिसको आपने अधूरे में छोड़ दिया होगा। कल मेरे दोस्त का 13वां है, सुशांत सिंह का, जिसके लिए मैंने एक मुहिम चलाई थी कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। चलो, बिल्डिंग के कैमरे नहीं चल रहे थे, कोई बात नहीं। जब वो फांसी लगा रहा था तो वहां पे कोई चेयर नहीं था, कोई रस्सी नहीं थी, कोई बात नहीं। मरने से पहले तक वो वीडियो गेम खेल रहा था, कोई बात नहीं। कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी, कोई बात नहीं। पुलिस को इस पे कुछ करना चाहिए ना, इतने सारे रीजन। भाई जब बताओ, आदमी जब मरता है या सुसाइड करता है, जैसे आप हो गए, मैं हो गए, कोई भी होगा, अगर कोई मरने की ठानता है तो किस लिए मरता है? वो रीजन तो वो सामने वाले को देके जाता है, या किसी ना किसी को तो बता के जाता है, या किसी ना किसी को तो पता होता है, या उसका ऐसा कोई दोस्त या उसका रिश्तेदार या उसकी बुक में या उसको। और जिस आदमी के पास इतनी सारी फिल्में हो, जिस आदमी के पास काम हो, जिस आदमी के पास पैसा हो, जिस आदमी के पास परिवार हो, प्यार करने वाले लोग हो, वो सुसाइड नहीं करता है, उसका हुआ है मर्डर। ये मुझे लग रहा है, ये मेरी अपनी एक राय है। रही बात कि उसके मर्डर को या उसके सुसाइड को हम कहीं और नहीं ले जाए, हमें उसको मुद्दे पे रखना है। देखिए, उसका अभी 13वां भी नहीं हुआ है और ये लोग बिजनेस करना शुरू कर दिए। बिजनेस किस चीज का? उसकी एक फिल्म है दिल बेचारा, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये फिल्म थिएटर में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुशांत को सबसे बड़ा सदमा जो लगा था ना, वो यही लगा था कि करण जौहर एक शख्सियत है, आप देखिए, एक वो जोकर और क्या बोलते हैं उसको, पपलू, जो कहता है मैं सिर्फ स्टारों के बच्चों के साथ ही काम करूंगा या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम करूंगा, है ना? छूट मूट छिचोरापंदी मचाता है लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोलता। उसकी छिचोरापंदी में लोग उसके साथ मिलकर हंसते ठहाके लगाते हैं। और उसका एक दोस्त है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप क्या करता है? वो भी लोगों को वादे करता है और पूरे नहीं करता है। अनुराग सर, व्हाट यू प्रीच दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। और मेरे साथ भी यही किया था अनुराग कश्यप ने, मुझे स्क्रेट गेम या सीक्रेट गेम क्या बोलते हैं उसको, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, उसमें मुझे एक बहुत अच्छा रोल दिया था, जिसके लिए मैंने वर्कशॉप भी किया, जिसके लिए मैंने उनको अपने दिन भी दिए। मुकेश छाबरा ने मुझे कास्ट किया था, मेरा दोस्त है वो, इस मैटर पे वो बोलने वाला है। उसके बाद अनुराग जी ने क्या, उनको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा बुरी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले तक तो वो कुछ और थे। फिर उसके बाद सडनली उन्होंने मुझे प्यार से फ़ोन किया कि मैं अनुराग बोल रहा हूँ, मुकेश और मैं बैठे हैं यार एजाज में, तेरे को आने वाली अगली फिल्म में एक रोल देता हूँ, अभी नहीं दे सकता हूँ यार, क्योंकि अभी तू बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तेरा चेहरा, तेरा लुक, यू आर वेरी स्ट्रांग, और मेरे सारे कैरेक्टर तेरे सामने, नवाजुद्दीन भी वीक लग रहा है। ऑफकोर्स नवाज मेरे सामने वीक लगेगा क्योंकि आई एम अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, स्ट्रांग वॉइस, सो वीक तो लगेगा। तो ये रीजन देके मुझे उन्होंने बोला कि तुझे आगे काम देंगे, लेकिन नहीं दिया, छोड़ दो, मुझे उसका भी दुख नहीं है। लेकिन मैं मुकेश छाबरा से ये जानना चाहता हूं कि मुकेश, ये लोगों ने आज डेट अनाउंस कर दिया सुशांत सिंह की फिल्म का, दिल बेचारा का, जिसका डायरेक्टर है तू। चल ठीक है, मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो कर रहा है तू इतने सालों से, कोई बात नहीं, मेरा भाई है तू और हमेशा रहेगा मुकेश। आई एम नथिंग अगेंस्ट यू, मे बी यू आर वीक और यू आर नॉट अ राइट कास्टिंग डायरेक्टर हु हैज अ पावर टू कास्ट पीपल, है ना? द वे यू टेल मी दैट, भाई वो डायरेक्टर लोग ऐसा बोलते हैं कि तू बहुत स्ट्रांग है यार, तेरी आवाज बहुत स्ट्रांग है यार, तू कॉन्ट्रोवर्सल है। तो क्या संजय दत्त कॉन्ट्रोवर्सल नहीं है? संजय दत्त भी तो जेल गया मेरे भाई, सलमान खान जेल नहीं गया, भूषण कुमार क्या कॉन्ट्रोवर्सल में नहीं है? क्या अनुराग कश्यप कॉन्ट्रोवर्सल नहीं है? कौन कॉन्ट्रोवर्सल नहीं है रे मुकेश, मेरे को ये बता तू।
तेरे से ये मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुद्दा चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का। मुकेश, तू अगर सच्चा मुकेश सुशांत सिंह का दोस्त है और तू उससे प्यार करता है, देख सुशांत ने तुझे डायरेक्टर बनाया मुकेश, तेरी फिल्म किसी एक्टर ने नहीं की मुकेश, सुशांत सिंह ने तुझे डायरेक्टर बनाया। छिछोरे के बाद, इतने बड़े डायरेक्टर के बाद उसने तेरा फिल्म साइन किया, नहीं छिछोरे के बाद उसने वो ड्राइव फिल्म साइन कर दिया गलती से, वो जोकर की, करण जौहर की, वो महारानी की, उसकी फिल्म उसने साइन कर दिया। और उसने क्या किया, ड्राइव में उससे इतनी मेहनत कराई, उसके बाद उस फिल्म को उसने नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया, जिसके लिए उसका दिल बहुत दुखी हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत की और मेरी फिल्म को इन्होंने बोला उसको ये कि हम लोग बना रहे फास्ट और फ्यूरियस, वारे करण जौहर झूठे, बोला ये कि मैं बना रहा हूं फास्ट एंड फ्यूरियस, और बना क्या दिया, उसने सुशांत सिंह के साथ चीटिंग किया। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन इस आदमी ने चीटिंग किया उसका गवाह मैं हूं। और मुकेश, तुझसे मैं ये चाहता हूं कि तू इतनी मेहनत की है उसने दिल बेचारा के अंदर, वो फिल्म को तू थिएटर में लेके आ, चाहे दिवाली तक हम सारे फैंस भी वेट करेंगे और तू भी वेट कर। अभी इतना रुक गया, अब लॉकडाउन चल रहा है, ये चल रहा है, इतना रुक गया, थोड़ा और नहीं रुक सकता क्या मुकेश? इतना जल्दी है क्या डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड लेने की? वो फिल्म लोग देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि वो सुशांत सिंह का लास्ट फिल्म है, मतलब यू अंडरस्टैंड, है ना? तो उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है कि भाई इतनी सारी चीजें हुई, उसे जस्टिस नहीं मिल रहा है। पुलिस उसको सुसाइड बोल दी, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उसमें भी ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। छोड़ दो, मैं उद्धव ठाकरे साहब, हमारे महाराष्ट्र के सीएम, उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि सर इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए अच्छे से सर, कि सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद थे, लोग थे वो क्या हुआ, नौकर का क्या हुआ, चाबी क्यों नहीं मिली, बहुत सारे झोलझाल है सर, वो हो सकते हैं ठीक। तो मैं मुकेश से ये कहूंगा कि मुकेश इसकी फिल्म को थिएटर में मत लेके, आज इसका 13वां कल नहीं हुआ है और इन लोगों ने डेट अनाउंस कर दिया डिज्नी वालों ने, हॉटस्टार वालों ने, कि ये फिल्म हम लाके आ रहे, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। मुकेश, वेट, ब्रिंग दिस फिल्म इन द थिएटर एंड इट विल गिव सॉलिड ओपनिंग, बिकॉज सुशांत के इतने फैन है ना आज की डेट में, और तब भी थे। मैं बता रहा हूं कि दिस फिल्म विल टेक अ बिग ओपनिंग, तुझे भी फायदा होगा, डिज्नी को भी फायदा होगा, और सुशांत की लास्ट फिल्म है मेरे दोस्त की, तो उसको भी सुकून मिलेगा, और हो सकता है ये ऐसी ओपनिंग लेके ये फिल्म बहुत अच्छी जाए। और मैं इस मुद्दे पे राजनीति करने वाले लोगों से ये कहूं कि मेरे यारों, मेरे प्यारों, अभी जस्टिस दिलाने का वक्त आया है। जो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे ना, हमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि उसने ये किया और उसने उसके साथ ये किया, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है, और हमें क्या करना है, हमें उसके साथ खड़े रहना है। कल एक एक कैंडल वाला वीडियो सबका चाहिए, जितने लोग हैं ना, एक कैंडल हाथ में, सुशांत का 13वां है, जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये तुम्हें करना है। और ये किसे कहना है तुम्हें पता है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम कहेंगे कि भाई हमें यहां से, या सिंपल भी कह सकता हूं कि जस्टिस फॉर सुशांत एक कैंडल हाथ में लेके, और ये मैटर हम रोकेंगे नहीं। दूसरा, उसकी फिल्म हम पोर्टल पे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे तो थिएटर में देखेंगे, 75mm के बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे, जिस बड़े पर्दे पे बनने के लिए सुशांत सिंह यहां पे आया था, उसी बड़े पर्दे पे हम वो फिल्म देखेंगे, उसकी लास्ट फिल्म है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर मारना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जितने उसके फैंस हैं मैं देखना चाहता हूं कि सब खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, ये नेपोटिज्म खत्म होने जा रहा है, अभी इसको खत्म करके रहेंगे। और मैं जब तक, देखो मैं तो पोर्टल पे ना सब्सक्राइब करूंगा डिज्नी को और ना उस पर फिल्म देखूंगा सुशांत की, मैं थिएटर में ही देखूंगा। और अगर इन्होंने रिलीज कर दी ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं एक थिएटर बुक करूंगा और उस थिएटर के अंदर उस फिल्म को लाऊंगा और मैं देखूंगा, और सुशांत के जितने फैन उस थिएटर में आ सकते हैं मेरे साथ बैठ के देखेंगे, लेकिन देखूंगा 75mm के पर्दे पे, ये मेरा वादा है। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।